फ्रेंड्स, ये है जस्ट क्रिकेट की सीरीज लास्ट मिनट रिवीजन की फोर्थ वीडियो, और इसके अंदर हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस ऑफ सीसीएसईसीए रूल। किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था मैम सीसीएसईसीए रूल्स की भी टाइमलाइन बता दो, तो आई प्रिपेयर दिस पीपीटी फॉर देम। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सस्पेंशन से रिलेटेड, यहाँ पे रूल नंबर भी लिखा हुआ है सीसीएसईसीए का, रूल नंबर 10 जो है इट डील्स विद सस्पेंशन। और सस्पेंशन से रिलेटेड जो टाइमलाइन है वो ये है कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसका रिव्यू 90 डेज के अंदर अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कोई सस्पेंशन का ऑर्डर, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का सस्पेंशन का ऑर्डर निकला है और नाउ 90 डेज होने वाले हैं उसके सस्पेंड हुए हुए, तो 90 डेज से पहले पहले ऑर्डर हैज टू बी रिव्यूड। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइमलाइन, और उसके बाद डिसाइड करना होगा कि इसका सस्पेंशन आके बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो उसके लिए सेंटेंस देखो क्या लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट अ टाइम। यानी 90 डेज से पहले पहले एक तो रिव्यू करना है, और दूसरा उसको मैक्सिमम 180 डेज तक ही आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइमलाइन देखो, मैंने यही वाला रूल दोबारा से पेस्ट किया है। टाइमलाइन से पहले हम यहाँ पे रूल देख लेते हैं क्या है, सिर्फ आपको फेमिलराइज कराने के लिए मैंने बोला है, मैंने ये रूल यहाँ पे पेस्ट किया है। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड, ठीक है, अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2। तो ये मैंने स्लाइड सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आपको पता रहे कि 10 के सब रूल 1 के अंदर नॉर्मल सस्पेंशन है, जैसे सस्पेंड करते हैं ऑर्डर के साथ, और सेकेंड सब रूल के अंदर है डीम्ड सस्पेंशन की कोई पुलिस की कस्टडी में चला गया है तो डिटेन हुआ है हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डीम सस्पेंशन बोलते हैं। तो ये रूल कहाँ पर मिलेगा आपको, रूल नंबर 10 के सब रूल 1 और सब रूल 2 के अंदर, नॉर्मल सस्पेंशन और डीम सस्पेंशन। स्लाइड सिर्फ इसलिए बताइए ताकि आपको ये रूल नंबर याद रहे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है रूल नंबर 14 के अंदर, जिसके अंदर की प्रोसीजर दिया हुआ है मेजर पेनल्टी का, ठीक है। तो इसके अंदर जो टाइमलाइन है वो किससे रिलेटेड है, जब चार्ज ऑफिसर को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से आर्टिकल ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशन, मिसकंडक्ट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट ऑफ विटनेस रिसीव हो जाता है। ये सब रिसीव होने के बाद उसको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 15 दिन, जिसको कि एक्सटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज, लेकिन 15 डेज तभी एक्सटेंड करेंगे अगर वो उसका रीजन बताएगा कि क्यों वो 15 डेज के अंदर अपना डिफेंस नहीं सबमिट कर पाया, ठीक है। और इन एनी केस देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अंडर नो सर्कमस्टांस कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है वो 45 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा उसको एक्सटेंशन, कि 15-15 दिन करके उसको मैक्सिमम एक्सटेंशन 45 डेज का ही मिलेगा, ओके। तो नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ बढ़ते हैं। टाइमलाइन है, नेक्स्ट टाइमलाइन जो है वो रूल नंबर 14 के अंदर ही दी हुई है, क्या कि चार्ज ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने, जब इंक्वायरी ऑफिसर को भी वो सारी चीजें मिल जाए ऑन द रिसीट बाय द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, आर्टिकल ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशन, मिसकंडक्ट, लिस्ट ऑफ वगैरह वगैरह, विटनेसेस वगैरह, ठीक है, तो तब चार्ज ऑफिसर को भी इंक्वायरी ऑफिसर के सामने इन पर्सन अपियर होना होता है 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसको नोटिस आएगा इन पर्सन अपियर होने के लिए, तो उसको 10 दिन के अंदर अपियर होना है, जिसको कि अगेन 10 दिन तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है आपकी 14 नंबर रूल के अंदर ही फिर से, जिसके अंदर की इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो केस को एडजर्न कर सकता है 30 दिन तक, मैक्सिमम 30 दिन तक, दिस इज मैक्सिमम लिमिट। कब ये वो एडजर्न कर सकता है 30 दिन तक, जब अभी हमने पीछे देखा कि भाई चार्ज ऑफिसर को 10 दिन का टाइम मिलता है टू अपियर इन पर्सन बिफोर इंक्वायरिंग अथॉरिटी, पर वो 10 दिन के अंदर नहीं आया, फिर उसको और एक्सटेंड किया फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो फिर भी नहीं आया, ठीक है, उसने मना कर दिया आने से, ही रिफ्यूज एंड ही ओमिट्स टू प्लीड, उसने बोला भाई मेरे को प्रेयर भी नहीं करनी आपसे कुछ भी, ठीक। तो इंक्वायरी ऑफिसर क्या करेगा, वो बोलेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि भाई अपने एविडेंस से आप प्रूव कर दो कि इसने क्या आर्टिकल्स ऑफ चार्ज इसके ऊपर जो लगे हैं वो अपने एविडेंस से आप उसको प्रूव कर दीजिए। तो उसके लिए वो 30 दिन के लिए उस केस को एडजर्न कर देंगे, और ये 30 दिन जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। एडजर्न करने के साथ साथ वो चार्ज ऑफिसर को फिर से बोलेंगे कि भाई तुमको अगर डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो सब रूल 3 में है, अभी आगे हम देखेंगे सब रूल 3 में क्या डॉक्यूमेंट्स है, वैसे ये डॉक्यूमेंट्स है आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट, विटनेसेस के, ये सब है, अभी हम आगे देख लेंगे जब सब रूल नंबर 3। खैर, उन डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन को करने के लिए चार्ज ऑफिसर को दिया जाता है 5 दिन का टाइम, जो कि फर्दर एक्सटेंडेबल है 5 डेज के लिए, वो भी कब, जब इंक्वायरी ऑफिसर उसको अलाउ करेगा तभी वो एक्सटेंड करेंगे उसको, ठीक है। ये रहा आपका सब रूल 3, जिसके अंदर लिस्ट दी हुई है कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट को जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिए जाएंगे, ठीक। स्टेटमेंट, इंप्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर इंटू डेफिनेट डिस्टिंक्ट आर्टिकल ऑफ चार्ज, जो भी आर्टिकल्स ऑफ चार्ज लगे हैं वो प्रॉपरली उसमें डिफाइंड होंगे कि भाई ये इल्जाम लगे हैं, ठीक है।
इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन मिसकंडक्ट इन सपोर्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, हर आर्टिकल ऑफ चार्ज से रिलेटेड डिटेल में स्टेटमेंट होगी, और उसके अंदर देखो विच शैल कंटेन क्या क्या होगा, उसके अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस हो गए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई आर्टिकल ऑफ चार्ज जो है वो सच्ची के लग रहे हैं, ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स, कोई भी रिलेवेंट फैक्ट होगा उस पर्टिकुलर चार्ज से रिलेटेड, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंस्पेक्ट करने के लिए उस गवर्नमेंट ऑफिसर को जो कि चार्ज ऑफिसर है उसको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 5 डेज। नेक्स्ट जो आपकी टाइम लाइन है वो भी रूल नंबर 14 से रिलेटेड है, वो की है जो है इंक्वायरी ऑफिसर के लिए। इंक्वायरी ऑफिसर से अगर चार्ज ऑफिसर ये मांगता है कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ विटनेस दे दो, ठीक है, विटनेस के जो स्टेटमेंट है उनकी कॉपी चाहिए अगर उसको, और उन स्टेटमेंट का जो है एग्जामिनेशन होने वाले किसी पर्टिकुलर डेट पर, तो उस डेट से 3 दिन पहले पहले, कम से कम 3 दिन पहले इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो चार्ज ऑफिसर को स्टेटमेंट ऑफ विटनेस की कॉपी देगा। तो दिस इज द टाइमलाइन 3 डेज। नेक्स्ट, अगर वो उस लिस्ट के अलावा, यानी जो रूल सब रूल 3 के अंदर हमने जो लिस्ट देखी अभी पीछे, उस लिस्ट के अलावा अगर वो कोई और डॉक्यूमेंट मांग लेता है और वो डॉक्यूमेंट अगर कोई रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है, अगर सपोज वो डॉक्यूमेंट किसी और ऑफिस के पास है, किसी और ऑफिस के पोजेशन में है, तो इंक्वायरी ऑफिसर उस ऑफिस को 10 दिन का टाइम देगा कि भाई वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, ठीक, और ये 10 डेज अगेन फर्दर एक्सटेंडेबल होंगे अगले 10 डेज तक। नेक्स्ट देखो 3 क्लियर डेज, ये कौन सी टाइमलाइन है, तो इसके अंदर है अगर सपोज प्रेजेंटिंग ऑफिसर को इंक्वायरी होने से पहले, ठीक है, इंक्वायरी सपोज किसी पर्टिकुलर डेट को फिक्स है, सपोज 10 अप्रैल को इंक्वायरी फिक्स हुई कि 10 अप्रैल को इंक्वायरी करेंगे, और उसको 10 अप्रैल को पता चलता है कि यार कोई और एविडेंस आ गया, कोई और पर्सन मिल गया, कोई और विटनेस मिल गया, कुछ भी नया उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया, तो इंक्वायरी को एडजर्न किया जा सकता है 3 क्लियर डेज तक। 3 क्लियर डेज का मतलब है कि जिस दिन से इंक्वायरी को एडजर्न किया गया है और जिस दिन तक एडजर्न किया गया है, तो बीच में आए 11, 12, 13, तो 14th को इंक्वायरी जो है वो एडजर्न होगी, तो बीच में होनी चाहिए 3 क्लियर डेज एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ एडजर्नमेंट, जिस दिन एडजर्न की है इंक्वायरी और जिस दिन तक एडजर्न की है इंक्वायरी, उसके बीच में 3 क्लियर डेज होने चाहिए। ये कब, जब नया एविडेंस है या फिर किसी विटनेस को री एग्जामिन करना चाह रहे हो प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक। नेक्स्ट टाइमलाइन देखो, किसी भी आईओ को इंक्वायरी को कंक्लूड करने के लिए और अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 6 महीने का टाइम मिलता है। 6 महीने का टाइम कब से मिलता है, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज इंक्वायरी अथॉरिटी। सपोज इस पर्सन को इंक्वायरी अथॉरिटी बनाया गया है किसी भी केस के अंदर, तो ये जिस दिन इनको इंक्वायरी अथॉरिटी का ऑर्डर मिला है कि भाई इस दिन आपको इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट किया जाता है, तो उस दिन से 6 महीने तक के अंदर अंदर इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी है, और एट अ टाइम अगर सपोज वो 6 महीने को तक नहीं कर पाते हैं, तो उसको फर्दर 6 मंथ्स और एक्सटेंड किया जा सकता है। कौन एक्सटेंड करेगा, भाई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्सटेंड करेगी या फिर कोई भी अथॉरिटी जिन्होंने भी इसको इनको अपॉइंट किया था, ठीक है, या कोई भी अथॉरिटी जो ऑथराइज है ऑन द बिहाफ ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक। तो 6 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, नहीं तो अगले 6 महीने मतलब एट अ टाइम 6 महीने तक का एक्सटेंशन उनको फिर से मिल जाएगा अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो दिस इज अनदर टाइमलाइन। तो नेक्स्ट टाइमलाइन आपकी रूल नंबर 15 से रिलेटेड, जिसका टाइटल है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। भाई रूल 14 के अंडर जो इंक्वायरी होनी थी मेजर पेनल्टी के प्रोसीजर के अंडर, वो इंक्वायरी पूरी हो गई है और इंक्वायरी रिपोर्ट अब बन गई है, तो वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी उसकी कॉपी एक चार्ज ऑफिसर को भी मिलेगी, क्योंकि उस इंक्वायरी रिपोर्ट में होगा कि उसका चार्ज प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चार्ज ऑफिसर को एक बार फिर से चांस मिलेगा उसके ऊपर रिप्रेजेंट करने का कि इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर कुछ गलत फैक्ट तो नहीं प्रेजेंट कर दिया गया, या फिर कुछ उसके अगेंस्ट ऐसी बात तो नहीं लिखी जो उसके केस से रिलेटेड नहीं है, या वट एवर, वो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन उसके ऊपर सबमिट कर सकता है विद इन 15 डेज। और ये किसको सबमिट करेगा, सबमिशन टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसको बताएगा कि भाई इंक्वायरी ऑफिसर ने इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात गलत लिखी है, जो भी है वो 15 डेज के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा। नेक्स्ट, फिर से 15th रूल के अंदर ये एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, अगर सपोज इंक्वायरी के अंदर हमें ये लगता है कि कमीशन को कंसल्ट करना नेसेसरी है कि यूपीएससी के पास फाइल भेजनी चाहिए और इस पर्टिकुलर केस के अंदर यूपीएससी की एडवाइस चाहिए, तो जो यूपीएससी की एडवाइस भी आएगी उसकी कॉपी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाएगी, और गवर्नमेंट सर्वेंट उस एडवाइस पर भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकता है, उसके लिए भी उसके पास टाइमलाइन है 15 डेज का।
देखते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील, सपोज किसी के ऊपर पेनल्टी अब लग गई है और उसको अब वो पेनल्टी लग रहा है कि मेरे पे ज्यादा पेनल्टी लग गई है, ठीक, तो उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। तो अपील का जो टाइमलाइन है, चार्ज ऑफिसर जो है वो 45 दिन के अंदर अंदर अपील अपनी प्रेफर कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपेलेट अथॉरिटी जो भी होगी उनकी, वो उस 45 डेज से उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि अपीलेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर या किसी जेन्युइन रीजन की वजह से अपील को प्रेफर नहीं कर पाया 45 डेज के अंदर अंदर। बट इन जनरल जो लिमिट है वो लिमिट 45 डेज की ही है। ये थी आपकी सीसीएस सीसीए रूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। इसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो के अंदर मैं कोई और टॉपिक उठा के उसकी टाइमलाइंस भी बताऊंगी आपको। सो डू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।